अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। लास्ट वीडियो में तो आपने कमाल कर दी जी, कमेंट बड़े आए हैं और कमेंट सारे एक ही पूछ रहे हैं कि मैं कौन सा अकाउंट टाइप सेलेक्ट करूं और मेरे लिए कौन सा अकाउंट बेटर है। आपने लास्ट वीडियो में रियल अकाउंट ओपन करना तो सिखा दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सा अकाउंट मेरे लिए बनाए। तो हर एक के लिए डिफरेंट चीज़, जिस तरह मुझे दाल पसंद है, मुझे गोश्त पसंद है, मुझे सब्जियाँ नहीं पसंद। तो हो सकता है किसी को सब्जियाँ पसंद हो, कोई किसी की ये फैंटास्टिक है उसको जो है वो गोभी नहीं पसंद, कद्दू नहीं पसंद। या अगर हम ये देखें कि हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, आप मैं मोबलिंग टेलनर यूफोन जो भी आप सिम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस ऑफर किए जाते हैं। लाइक एक बंदा है, वो बेचारा स्टूडेंट है और उसकी गर्लफ्रेंड है एंड उसका बजट भी कम है और उसको जो है टॉक टाइम भी ज़्यादा चाहिए, रात को लेट नाइट ना, उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। एक बंदा बिजनेसमैन है, उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, सारा दिन उसने डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स पर कॉल करनी है। एक बंदा है वो फैमिली पर्सन है, उसने सिर्फ अपने घर फोन करना है, उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट है जी, डिफरेंट बजट है। तो आपका बजट और आपकी जरूरत, इन दोनों की मैचिंग जो है ना वो एक पैकेज बनाती है। उस पैकेज हमें चाहिए। आज हम देखते हैं अकाउंट टाइप्स क्या है और आपके लिए कौन सा बेटर पैकेज है। माय नेम इज रियल नवाज एंड वेलकम टू ForexUstaad.com। Here we go. We are on same page. हम माय बेबी अकाउंट ओपन किया था लास्ट टाइम, लेकिन हमने इसको यूज़ नहीं करना। हम न्यू अकाउंट टाइप पे जाएंगे ताकि हमारे सारे अकाउंट आ जाएं हमारे सामने। सो यहाँ पे आज सबसे पहले स्टैंडर्ड अकाउंट। तो ये बताया गया है कि स्टैंडर्ड अकाउंट में स्प्रेड जो है 0.03% होगा, 0.3%, एंड इसके अंदर कमीशन नहीं ली जाएगी। तो आमतौर पर स्टैंडर्ड अकाउंट ठीक होता है, मोस्ट पॉपुलर एंड ग्रेट अकाउंट फॉर ऑल टाइप ऑफ ट्रेडर्स, ठीक है जी। लेकिन हम कोई डिफरेंट टाइप चाह रहे हैं जी। एक बंदा है स्टूडेंट है, वो लर्न कर रहा है फॉरेक्स, उसको कौन से टाइप का चाहिए। तो उसको चाहिए ये स्टैंडर्ड सेंट। अब ये स्टैंडर्ड सेंट क्या है? स्टैंडर्ड सेंट विद माइक्रो लॉट इंस्टेंट, परफेक्ट फॉर बिगिनर्स। देखिए जी, अगर आपका स्टार्टिंग है तो ये स्टैंडर्ड सेंट जो है वो ये आपके लिए बेस्ट है। अच्छा जी, इसके अंदर स्प्रेड सेम है और कमीशन इसके अंदर भी ये नहीं ले रहे। अच्छा जी, मुझे ये बताएं इसका फ़ायदा क्या होगा, बिगिनर्स के लिए क्यों है? वो इसलिए है कि इसके अंदर अगर आप $1 डिपॉजिट करेंगे तो वो MT4 में शो करेगा $100, ठीक है जी। क्या शो करेगा? 100 USDC। USDS अगर शो करे तो डॉलर है, USDC शो करे तो सेंट अकाउंट है, ठीक है जी। तो वो आपको $1 इन्वेस्ट करके मिल गया $100। इसी तरह अगर मैं $10 इन्वेस्ट करता हूँ, $10 इज इक्वल टू 100, तो मुझे $1000 बैलेंस का शो होगा, ठीक है। अगर इसी तरह मैं $100 इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे $10,000 शो होंगे। मेरे अकाउंट के अंदर $10,000 आ जाए, वाओ, $10,000 के ऊपर ट्रेड करो जी। तो $10,000 इससे ही आपको ये पता चल जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम ये कहते हैं कि यार जितना आपने डेमो, जितना आप रियल में अकाउंट ओपन करना है उतना ही डेमो में पैसा इन्वेस्ट करो, और डेमो में आपका अकाउंट बिल्कुल छोटा होना चाहिए उतना ही जितना आपने रियल में करना है। लेकिन डेमो के अंदर हमें तकलीफ नहीं होती। जब हमारा लॉस हो रहा होता है, जब हमें प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि वो प्रॉफिट भी जेल ही है और जो लॉस है वो भी नकली है, ना हमारी जेब से कुछ जाना है ना हमारी जेब में कुछ आना है। तो ये प्रैक्टिस अकाउंट, इसको एज अ डेमो लेके चले, इट्स अ परफेक्ट फॉर यू, ठीक है जी। तो ये है जी सेंट अकाउंट, इसका ये फायदा है। तो मे बी आपके लिए सेंट अकाउंट बनाओ, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो, आपका पहला अकाउंट है या आप बिगिनर है। इसके अलावा जी अगला आ जाता है जी स्टैंडर्ड प्लस अकाउंट। अब जी स्टैंडर्ड प्लस क्या है जी? इसमें स्प्रेड कम है, 0.1, ठीक है जी, नो कमीशन, मिनिमम डिपॉजिट $1। तो ये स्टैंडर्ड प्लस भी ठीक है जी। एंड एक्सेलेंस अकाउंट, इसके अंदर वैल्यू एडेड सर्विसेज उन्होंने कोई ऐड की हुई है तो कह रहे हैं कि ये बेस्ट है, लेकिन इसमें मुझे कोई खास चीज़ नज़र नहीं आई। तो इसको हम चले जाते हैं प्रोफेशनल अकाउंट, क्या चीज़ें होती हैं ये देखते हैं। प्रोफेशनल अकाउंट में सबसे पहले हमारे पास आ रहा है रास स्प्रेड अकाउंट। रास स्प्रेड अकाउंट में क्या है, लोएस्ट रास स्प्रेड एंड लो फील्ड कमीशन। अच्छा, इसके अंदर कमीशन यूज होगी जी, स्प्रेड जीरो है।
अब कोई बंदा ऐसे है यार, वो बड़ी लॉटे ले रहा है, बार बार ट्रेड कर रहा है, बड़ी ट्रेडें कर रहा है, उसको स्प्रेड की बड़ी दिक्कत है यार, हर ट्रेड में स्प्रेड कट रहा है, तो इसके लिए बेस्ट बना है कि स्प्रेड कोई नहीं कटेगा जी आपका। इसके अलावा इसमें जी कमीशन है जी, कमीशन अप टू 3.5 USD पर स्टैंडर्ड लॉट, ठीक है जी, और मिनिमम डिपॉजिट इसके अंदर $500। अच्छा जी, जो हमने पहले ऊपर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड प्लस या माइक्रो स्टैंडर्ड देखा है, उसके अंदर कोई विड्रा की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम $1। लेकिन इतने जी अगर थानू, अगर आपको ये चाहिए फैसिलिटी कि आपके से स्प्रेड ना लिया जाए, कमीशन नहीं लिया जाए, और वो भी बहुत थोड़ी, तो उसके लिए आपको कम अज़ कम $500 का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जी। अब हमारे पास $500 नहीं है तो हम ये अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। आज जी जीरो कोड की तरफ आ जाते हैं। जीरो कोड क्या है यार? गेट जीरो स्प्रेड फॉर 95% ऑफ ट्रेडिंग डेज ऑन 30 पेयर। अच्छा जी, यह कह रहे जी 30 पेयर के उत्ते थानू कोई चार्ज नहीं किया जाएगा स्प्रेड, यानी कि अगर मेरे 30 पेयर हैं जो इनकी एक पूरी लिस्ट दी होगी उसके ऊपर मुझे स्प्रेड चार्ज होगा ही नहीं, या 95% कम होगा जी, स्प्रेड जीरो है जी, ठीक है जी। कमीशन फ्रॉम 3.5% पर लोट पर साइड, पर साइड का मतलब होता है जो ऊपर भी उन्होंने बताया गया, इसका मतलब होता है जब आप ओपन करते हैं वन साइड है, जब आप क्लोज करते हैं सेकंड साइज है ना, थोड़ी सी कमीशन आपको तब जब आप ऑर्डर ओपन करेंगे और थोड़ी सी कमीशन आपको तब जब आप ऑर्डर क्लोज करोगे, तो दो टू साइडेड कमीशन है जी यहाँ पे। एंड ये प्रो, अच्छा इसके अंदर भी मिनिमम $500 का डिपॉजिट है। चलिए प्रो क्या जी? एक्सलेंट फील एंड रिड्यूस स्लिपेज। अच्छा जी, स्लिपेज और फील्ड क्या होता है? फील्ड ये होता है कि जब मैं कोई ऑर्डर पुट करता हूँ, समटाइम वो डिले हो जाता है, समटाइम मैं कहता हूँ बाय करो इस प्राइस पे, उस प्राइस पे बाय नहीं होता, समटाइम मैं बाय करता हूँ किसी प्राइस और पे, वो किसी और प्राइस पे जाके बाय हो जाता है, तो उसको कहते हैं स्लिपेज। ऐसा तब होता है ज्यादातर जब मार्केट के अंदर न्यूज़ आ रही हो ना, मार्केट के अंदर बहुत ही वोलेटिलिटी हो, मार्केट के अंदर बड़े फंडामेंटल इफेक्ट हो रहे हो, तो स्लिपेज भी आती है और फील्ड होने में भी टाइम लगता है। तो इसके अंदर क्या है जी, प्रो अकाउंट ले लो, आपको ये दोनों प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। अच्छा जी, रिक्विट मे हैपन इन फास्ट मूविंग मार्केट। अच्छा, इसके अंदर भी कह रहा है रिक्वेस्ट अगेन आपको करनी पड़ सकती है जब मार्केट वही ना वोलेटिलिटी, इलेक्शन हो रहे हैं, बहुत बड़ी न्यूज आई है या बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है मार्केट की, तो उसके अंदर दोबारा रिक्वेस्ट करनी पड़ सकती है, वो पहले ही ये यहाँ पे बता सकता है। स्प्रेड है इसका काम है जी 0.01, कमीशन कोई नहीं है जी इसके ऊपर, वेरी गुड, स्प्रेड भी कम और कमीशन भी कोई नहीं, एंड मिनिमम डिपॉजिट वही है जी इसका भी $500। तो ये थे हमारे कुछ पैकेजेस जिनको आज हमने, तो अब आपने देखना है कि आपके लिए कौन सा। आर यू अ न्यू गाय? आपका ट्रेडिंग का पहला दिन है तो ये अकाउंट स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट, जिसको हम माइक्रो अकाउंट भी बोलते हैं, ये बनाओ। आर यू अ प्रोफेशनल ट्रेडर और आप लग्जरी मजे लेना चाह रहे हैं तो ये है प्रो, ये जीरो अकाउंट बनाओ। अच्छा, जीरो अकाउंट और प्रो में क्या फर्क होएगा? जीरो अकाउंट के अंदर जो है ना कमीशन तो जीरो है, लेकिन लिमिटेड, यानी कि 30 पेयर्स के ऊपर। आप देखो कि क्या आप उनके ऊपर काम करते हो 30 पेयर्स के ऊपर, या आप किसी ऐसे पेयर पे काम करते हो जो इस 30 पेयर्स की लिस्ट में नहीं है, फिर आपको जीरो अकाउंट का कोई फायदा नहीं है। फिर आप प्रो अकाउंट बना लीजिएगा या फिर आप रास स्प्रेड अकाउंट बना लीजिएगा। दैट्स अ वे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप फॉर एग्जांपल आप रोबोट यूज करते हो, फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा ट्रेडिंग का मेथड यूज करते हो, स्क्रिप्टिंग यूज करते हो, रोबोट यूज करते हो, बहुत फास्ट ट्रेडिंग कर रहे हो, या एक दिन में बहुत ज्यादा ट्रेड्स ले रहे हो, या एक आपका स्टाइल है ही नहीं जी, आपने तो पूरे हफ्ते में एक ट्रेड लगानी होती है, तो फिर आप कोई और पैकेज चूज करें। तो ये डिपेंड करता है आप पे, आपके ट्रेडिंग प्लान पे, आपको कौन सा पैकेज चाहिए। सो चाती पाओ अपने अंदर, ते पूछो अपने आप को कि मैं की चाह रहा मार्केट को। जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, जिसकी 50 अदात में सिखा रहा हूं, ये प्लेलिस्ट है, ये लाजमी देखें। एक प्रोफेशनल ट्रेडर के अंदर कुछ आदात होती हैं जी, एक कामयाब ट्रेडर की कुछ आदतें होती हैं, लाजमी सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और इसी में मैं सिखाता हूं कि एक कामयाब ट्रेडर की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है जी। अभी अगर आप बिगिनर हैं तो आपको मेरी बात शायद समझ ना आए, लेकिन अगर आप एक एडवांस ट्रेडर हैं
तो आपको पता चलेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है अलग अलग पैकेजेस की। जैसे मैंने एग्जांपल दी, लोंडे लपाटों को चाहिए होता है सस्ता और लेट नाइट टॉक टाइम। बिजनेसमैन बंदे का रात को क्या काम है, उसने तो सारा दिन काम करके थक जाना, जाकर सो जाना। अगर उसको रात को फ्री भी कॉल मिले तो उसको तो कोई फायदा नहीं है। तो लोंडो लपाटो वाला पैकेज एक बिजनेसमैन नहीं ले सकता, और बिजनेसमैन वाला पैकेज एक लोंडा लपाटा यानी कि एक जो स्टूडेंट बनता है या जो एक एनआरई बनता है या नया नया जवान जिसको कोई काम ही नहीं है और कॉलिंग के अलावा, वो दोनों उसका बेचारे का बजट ही नहीं है इतना कि वो इसको अफोर्ड कर सके। तो होती है ना वो क्लासेस, इकोनॉमी क्लास, वीआईपी क्लास, हैं वीआईपी प्लस, फिर गोल्ड पैकेज, फिर प्लेटिनियम, सिल्वर पैकेजेस। तो ये उसी तरह की कुछ चीज़ें हैं, उसी तरह के पैकेजेस हैं एंड आपको हेल्प करते हैं आपकी ट्रेडिंग में। सो दैट्स द थिंग। अब आपको पता चल गया होगा कि हमारे लिए कौन सा पैकेज प्रैक्टिस करनी है, तो डेमो अकाउंट बनाओ या फिर सेंट अकाउंट बनाओ, ठीक है जी। और ये प्लेलिस्ट है, इनको लाजमी फॉलो करें, लाइक एडवांस ट्रेनिंग की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, एक कामयाब ट्रेडर की 50,000। या फिर जब मैं लाइव आता हूँ तो यार ये मिस ना किया करो, जब मैं लाइव आता हूँ ना तो लाइव जरूर सुना करो, उसमें जो मैं लाइव एनालिसिस कर रहा होता हूँ, ट्रेड दे रहा होता हूँ, उनको लाजमी फॉलो करें एंड यू विल लव इट इंशाल्लाह। एंड इस वीडियो के बारे में कमेंट दें, अच्छी लगी या बुरी लगी लाइक डिसलाइक करके मुझे बताएं, एंड वीडियो के नीचे अपनी राय फीडबैक लाजमी दें ताकि आपकी फीडबैक के ऊपर हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो मुनसर है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।